नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम एवरीबॉडी, वेलकम टू डे 4 ऑफ द एजेंट रिक्रूटमेंट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम लोग इस प्रोग्राम में कोल्ड कॉल कर रहे हैं, अनजान लोगों को मिल रहे हैं, पहचान लोगों को मिल रहे हैं। मकसद यही है कि आपको इस प्रोग्राम के दरमियान रिक्रूट करना आ जाए, और साथ में हम लोगों ने एक चुनौती लेकर रखा है कि रिक्रूट करना आने के साथ साथ इस प्रोग्राम के दरमियान हम आप लोग 500 लोगों को मिलेंगे, और वो 500 लोगों में से कम 100 एजेंट रिक्रूट करेंगे। कुछ 500 को मिलेंगे, कुछ 250 को मिलेंगे, कुछ 125 को मिलेंगे, कुछ 100 को रिक्रूट करेंगे, कुछ 50 को रिक्रूट करेंगे, कुछ 25 को रिक्रूट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर एज, आपकी एबिलिटीज, आपकी ताकत वगैरह। मगर मेरा चाहत यही रहेगा कि आप ये एक महीने को आप अपने रिक्रूटमेंट के लिए निछावर कर दो, और उसी के हिसाब से आप कामयाबी हासिल करते रहो। तो कल हम लोगों ने हमारे ऑफिस में मेरे दोस्त अस्ताद सेठना को बुलाया था, आपको याद होगा। तो अस्ताद ने बड़े खूबसूरती से कहा कि एक बार वाइफ को पूछकर हम बात करेंगे, कंसल्ट करते हैं, तो हमारा उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ था, राइट। तो आज मैं अस्ताद सेठना के घर के आसपास हूँ, और यहाँ पर हम उनके घर में जाके देखेंगे क्या होगा, क्या उसके वाइफ ये आइडिया को एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, ये सब अनसर्टेन है। वो हमको स्वागत करेगी, बैठने का मौका देगी, आपको सस्ता मेरा दोस्त है तो बेसिक हम लोगों को ओपनिंग तो मिल ही जाएगा, उसके बाद चर्चा करके देखते हैं। दिस इज व्हाट इज अनसर्टेन अबाउट द प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्रामों से इस चीज को यही डिफरेंशिएट करता है। हम रिस्क लेंगे, लोगों को मिलेंगे, बात करेंगे, और क्लासरूम में ना ऐसा बैठकर पीपीटी दिखाते हुए बड़े बड़े बातें करना, ऐसा रिक्रूट करो वैसा रिक्रूट करना अलग बात है। प्रैक्टिकली प्रोस्पेक्ट के सामने जाकर जब मिलते हैं, क्या बोलना है, क्या दिखाना है, कैसे बात करना है, उनके बातों को कैसे सुनना है, कैसे कन्विंस करना है, ये सब हम आज इस प्रोग्राम में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। पिछले 3 दिन से कर रहे हैं, आज 4th दिन भी सेम टू सेम करेंगे। तो चलिए ये अस्ताद सेठना के घर में हम चलते हैं, राइट। मेरे साथ प्रवीण भी है, एंड ऑडियो आ रहा है, नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है, हेलो, मेरी आवाज आ रहा है? लीडर फैक्ट्री, किसी को अनम्यूट करिए जो बात कर सकते हैं हमारे साथ। आवाज आ रहा है कि नहीं मालूम नहीं पड़ रहा है, तो पूरा भाषण देने के बाद आ रहा है सर। ओके, एक्सीलेंट, आ रहा है, आवाज आ रहा है। शूज भी किसी के घर के अंदर जाने से पहले निकाल देना चाहिए, तो मैं सीढ़ी में से पहुंचने से पहले निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। It's a basic idea that I want to share with you. Be seated, Pari. Astu, you can sit here. And it's okay. Anywhere is your computer. नहीं तो आप दोनों ऐसा ऐसा आ जाओ. You can come this side. Shall I state the agenda? The idea of coming over here is we are doing a training program, and along with that, this is a kit
called MDRT Agency Information Kit. Right. I just wanted to come and show you, share you with this information. Yes. And if you like the idea, you know, something can happen. Ato was mentioning yesterday that he had, you know, attended. Correct. I was sharing with him and he said everything is, the decision in terms of decision is taken only with Pari. So I said it would be an honor to meet you. Thank you. So shall we get started? Yeah, yeah, this is an idea. This is from Life Insurance Corporation of India. He is a development officer, Praveen Bhosle. Yeah. And I will not be showing you all this, so you need not actually worry. Yeah. But you know, I just want to show this to you. And possibly, this is an a Hindi one. I want an English one. No, let me be. Okay. So this is one I wanted to show this. And this is the second. Can I use your pen, Praveen? Yeah, thank you. So, Pari, this is Life Insurance Corporation of India. It's something called MDRT agency. You must be aware of LIC agent. Yes. So, you know, this is a superior version of insurance agency. So, it's called MDRT agency. MDRT, by the way, stands for Million Dollar Roundtable. Yes. It's an organization based in the US. Correct. Yeah, so. Heard about. Thank you. Good. Now, the MDRT agency offers around 60 benefits, but I'm talking about the primary six, Astu. The first benefit that this agency offers is, MDRT agency offers a 12 lakh rupees annual commission. Okay. So this is, and that means you'll start earning around 1 lakh from the very first month itself. All right. So there are four kinds of agencies. One is a normal agency, second is MDRT agency, third is COT agency, and fourth is TOT agency, right? So a normal agent is someone who earns around 17,000 monthly and 2 lakh annually. All right. And MDRT agent is the guy who earns minimum 1 lakh monthly and 12 lakhs annually. All right. So this is benefit number one. And its elder brother is TOT agent. He is the person who earns 6 lakhs monthly and 72 lakhs annually. So this is minimum we're talking about. So this what is TOT stand for? Top of the table. Achha. So MDRT means Million Dollar Round Table. And COT means court of the table, which is 3 times the business of MDRT. When you do 6 times the business of MDRT, you achieve a level called top of the table. So this is a higher version. Just like in police, we have constables and we have inspectors, we have commissioners and we have generals. So this is the general kind of a post, highest post. Achha. The beauty about this post is you can start achieving this post from the very first year itself. So this is benefit number one, Pari. Astu, clear, na? Second benefit is MDRT agency offers a chance to visit USA every year. So when you become an MDRT, you are the only one who is eligible to go to US. When you become a TOT, both wife and husband, both Pari and Astu can go together. This is benefit number two every year. Okay. Third benefit is MDRT agency offers you something called renewal commission. Pari, I would like to ask you, when do people receive pension? Pension after retirement. So, you know, the renewal is a kind of a pension that starts coming in this agency, coming to you from the very second year itself. So normally people do job for 40 years and after that they retire and after that they receive pension. But in this MDRT agency, this pension is called renewal commission. So after 1 year, if you're an MDRT agent, you receive 15,000 monthly pension for life. And at TOT level, you receive 90,000 monthly pension. So after 2 years, it becomes automatically 30 and 180. After 5 years, it becomes 75 and 450. After 10 years, it becomes 1.5 lakhs and 9 lakhs and things like that. After 30 years, your monthly pension in MDRT is 4.5 lakhs and your TOT agency monthly pension is 30 lakhs. Fourth benefit is MDRT agents offers a hereditary commission. Hereditary commission means, let us say you worked for only 10 years and after 10 years, you're supposed to receive 9 lakhs monthly for life. This 9 lakhs would come to you. That is renewal commission. Hereditary means after you, it will come to your spouse. And after spouse, it will go to children. After children, it will go to, you know, whomever your nominee is. Okay. You know, so that is the fourth benefit. Fifth benefit is
MDIT agency offers a chance to purchase your dream car in the very first year. Okay. So it gives you 5 lakh rupees interest free loans and 30 lakhs in TOT level. And sixth benefit is MDIT agency offers you, you know, chance to purchase your dream home. So MDIT level 25 levels and for TOT level, it's a 1 crore rupee home that you can purchase. So these are the six primary benefits. Okay, so So these are monthly income, you know, visit to USA, renewal income, hereditary income, and car and home. So these are the out of the six which, you know, make some sense to you, whatever sense. I have asked him. He said renewal is something that makes sense to him. I would have just put my finger on the same thing. Oh, so nice. Yeah. Both of you are thinking so alike, right? Yeah. So this is anything comes to your mind, you know, in terms of taking up this agency? Would you be open towards taking up this agency? It's a good idea. I think I'm quite convinced with what Rajesh spoke to me yesterday. Mm-hmm. I think the benefits are brilliant and the security is amazing. Yeah. And it's a Government of India organization. Correct. There are actually 4 questions people ask or 4 important information people consider, you know, before taking up agency. The first thing is, what is going to be the job? Right. So once you take up agency, once you get started, what you have to What's our roles? Yeah. Correct. So let us just go through that and then we take a decision, right? So what is going to be the job? So what is going to be your job? So in this agency, there will be totally 4 phases, Stu and Pari. And in every phase, the job is going to be different. The phase one is called initial success period. Mm-hmm. Now, this is the first 18 months of agency. Mm-hmm. Now, during these 18 months, your job is to show something called a lifestyle presentation to 10 people every day, 200 people a month, and 2,000 people every year. Now, this is a presentation I am showing you because this is my job. Right. Now, when you become a MDRT agent, you will have to show not this one, but a lifestyle presentation. Now, this is the lifestyle presentation. This is about 6 different kinds of lifestyles people live in. Yes. The first kind of lifestyle is royal lifestyle, comfort lifestyle, and necessity lifestyle, bare existence lifestyle, poverty lifestyle, charity lifestyle. So all the 6 kinds of lifestyles, we are all not doing a job or business or professionals. We are all in the, you know, in the boat, in the journey of increasing our lifestyles. We are in the journey of increase. So, you know, we tend to improve our lifestyles with age. So this is you at the age of 30. And by the age 50, you know, you try to lift your lifestyle from bare existence to necessity and comfort levels. So everyone is trying to do the same thing. So, you know, whenever some untowards event happens, this person who is lifting, in charge of lifting the family's lifestyle, if something happens to him, what would happen to, so this is the age group, you know, 30s or 20s. So in this case, if you are not there, what would happen to the lifestyle of the family? Right. Can it continue to move like this? Or can you, which way would the family's lifestyle move is the question that everyone needs to answer. Right. In most cases, let us say more than 96% cases in India, if something happens to this guy, this family's lifestyle falls towards this. Which means falling towards this means falling towards poverty and charity lifestyle. Yeah. So how can any family protect, I mean, you know, prevent this from happening? Right. So for that, they need to purchase an insurance policy or an LIC policy. What does LIC policy do? If something happens to you, it doesn't allow your family's lifestyle to fall, drop down. It will actually lift the family's lifestyle. Yeah? Yes, it will not allow it to fall. It will lift the family's lifestyle and it will create something called the permanent protection line. It will lift here, it will keep your lifestyle here for the remaining members of the family. It is going to maintain this lifestyle over here for the next 40, 50, 60 years. This is what insurance does. Right. But the question is it really true? No, it is not true. So we need to understand the truth about reality about what does an insurance policy does. So insurance policy will take your family's lifestyles to the levels that you decide to take it to. It will take to charity level if there is no insurance policy. It will take to poverty level if it's a 2 lakh rupee policy, bare existence level for a 20 lakh rupee policy, necessity level for a 2 crore policy.
to take your family to comfort level for a 20 crore, 2 crore, 20 crore policy, and royal level for a 200 crore policy, which means, I just given this presentation in a very short way. I don't know whether you followed it or not. No, pretty much followed. So, royal means a 200 crore, sum assured, and lifestyle of these kinds of people. Comfort means these kinds of people. Necessity means living a lifestyle of these kinds of people. Bare existence means living a lifestyle of these kinds of people. Poverty and charity. So, both of you need to decide after you, what should be the lifestyle of the family after you. Put your finger, where do you want your family's lifestyle after you? Pari, you? Yeah, I would also pick that. I mean, between these two is what I would... Correct. Yeah. Which in other words means, Pari, you are saying that somewhere in between 2 crore and 20 crore is the kind of insurance you should have. This is what you, indirectly said. Right. So we can say that you are looking for a 10 crore policy. So I came and just showed you in a very short way, and you decided to purchase a 10 crore rupee policy or a minimum 5 crore rupee policy or bare minimum 2 crore rupee policy is what we can decide. So your job is to show this presentation to 200 people, 200 people monthly. When you show it to 200 people, almost all 200 people would say that we want a 2 crore rupee insurance policy. Right? And convincing them and closing them. So out of, even though they say they may not take action, but around 20% would take action. Yeah, they would purchase minimum 1 crore rupee insurance policy. This is for their family's protection. Now that converts into this kind of money for you. Okay, you start earning around this kind of income. You start getting, chance to visit US, you chance, start getting the renewal pension, you start getting hereditary. All these things start happening. Right. So in phase one, which is the first 18 months, your job is to show this. Okay. So after 18 months, you reach the phase two level. During that time, this is going to be a job. After that, phase three, this would be your job. And after that, phase four, this would be your job. So the first question many people ask is, Astu, once I take up agency, what is going to be my job? Right. The second question that people ask me, and this is going to help you consider and take up this agency, is it actually easy or difficult? And if it is difficult, how difficult it is to take up agency and actually become successful? Right. So in order to answer to that, I want to ask that question. You had this in your mind. Yeah. So you were not asking. I thought I will only put this into your mind. What is the typical ratio between of the conversion? That's exactly what, instead of telling, I would show you. This conversion ratio is 20%. Okay. You show it to 200 people, 40 would buy. And So they may drop their thought process, maybe from that royal thing, they may want to come down to. Correct. They would come down to comfort. Most people end up saying that I want minimum necessity. Right. When you ask people, where do you want your family, after you, they would say comfort. Right. And then we ask, minimum where? They would say minimum necessity. Then we again ask, minimum where do you want your family? Then they cannot come down to bare existence. They would say, no, we want to be here only. So, bare existence. They would say, insist. And we ask three times, necessity or bare existence? They would say necessity. They don't want to fall here. Mm-hmm. In order to remain, maintain the necessity level lifestyle, they would, buy a 2 crore rupee or 1 crore rupee insurance policy. Right. Most of the people already have an insurance policy. Right. But these policies are what? 5 lakh, 10 lakh, 20 lakh kind of policy. Mm-hmm. Their actual potential or requirement is to purchase 2 crore. Right. And the reason they're not buying it is there is no one who is explaining them. That's what is the potential. Or maybe nobody is really approaching that correct segment of people. Correct, correct. You said it rightly. So this is the list of MDRT COT TOT agents. This is All India list of agents of LIC last year. So how many people became successful in this last year is the list. But the agents would be much more than what we assume. Yeah. There are totally 12 lakh agents in India. Right. So these are the MDRT agents. So the list of MDRT, COT, TOT agents of LIC of India. Mm. Okay, so if you see here, this is the, the serial numbers, the agency code, name of the person, their zone, their division, and this is what?
branch and their MDRT. Yeah, so this is it. Mm-hmm. So all these people were MDRTs last year, and all these people were MDRT COTQOTs last year. And all these people were also MDRT COTQOTs last year. And all these people. And all this. And all this. Sorry. And a stick. Yeah. And these are two pages, right? Yeah, one, two, three, four. Yeah. So in every page, we have around how many? Yeah, 1677 to 1761. Yeah, somewhere around 150. So 150, 300, 450, 600 is what? Like so 600. Yeah. So I'm just. So that is what is mentioned out here. No, no, here is TOT. So all these are TOTs. So somewhere around. So this is the TOT last one. 148 TOTs. And वहां से COT स्टार्ट हो रहा है. COT is somewhere around 1000 people, 900 people. And उसके बाद ये सब के सब MDRTs हैं. ये सब MDRTs हैं. Yeah, we keep hearing a lot of people MDRT. Yeah, so you know, in social media and Facebook and other things, that all these people are the people who are visiting USA every year. They are getting 25 lakhs or 1 crore home loans. They are buying their dream cars. You know, they are enjoying their so-called, you know, renewal commission, hereditary commission, or state. Amazing. Yeah, so if you look at the which whole state mostly, I mean, state. Every state, the division is very, very even. Achha. Yeah, so I mean, it's not that Maharashtra has more or Bengal has less. Or something. Very well. And they, so the total number of people who became MDRTs is 16,500. Yeah, that's a good number. Yeah. And this was 2021 list. Now the list is latest is more than 22,000. Okay. So those many people, if they can become successful, and they're actually not as literate as you are. Mm-hmm. Which and this is like their full-time profession, what they do, or they do it like over and above whatever they're doing. Both the options are available. Achha. You know, so out of the 16,500, I would say that there would be more than 10,000 for whom it would be a kind of a full-time. Okay. And there would be 6,500 who would be, it would be kind of a part-time thing. Okay. So just let me show you that option also. You know, so here it says that you can leave your job and do agency, or you can do agency along with your job without leaving your job. Right. I would like to show you a typical illustration. So this is the third question that people ask is how would my career look like if I, you know, take up agency? Yeah, I mean, you know, this is a very rare question, but an important question that people have in their mind. So I just want to show that with this illustration, Pari, understood? Yeah. So this illustration, this is x-axis, which speaks about 25 years of career. Right. You know, 25 years from 25 to 60, right? So 25 to 50 or 35 to 60, we either do a job or business or whatever. So, and this is the y-axis, which speaks about monthly income, which goes in lakhs, 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh. So this illustration says successive monthly income. When you start our career, our initial monthly income is between 30, 40, 50,000. After 3-4 years, you find that you reach 70, 80,000 monthly income level in a job. And after around 1 year, 1.5 years, I mean, say 7-8 years, you reach 1 lakh kind of monthly income level. And after around 15 years, you are reaching at around 1.5 lakhs monthly income level. And your monthly income levels grow like this, Apari, when you do a job. Yeah. And when you take up MDRT agency, your monthly income levels grow like this. So this is how your 25 years look when you do a job. This is how your 25 years work like in terms of earning money looks like. So what's the age group of people? Any age, above 18, can take up agency. This is an amazing example. Yeah. Very good comparison. So the question is, would you like to continue your 25 years or 35 years career like this or like this? Right. Obviously. Absolutely. You're not putting your finger up, Pari. As that's what it's saying. Yeah. Because but I think I must do this. What do you say? Good idea to do. So this is a couple called Rajesh Satoskar and Deepika Satoskar. Mm-hmm. You know, Rajesh Satoskar is this guy. He took up agency somewhere in 1989. And just want to show this to you.
he is considered to be one of the topper in LIC. His annual income is 3.3 now. The renewal income is 2.1, which means you know, awesome. Even if he doesn't work, his monthly yeah. income is almost yeah. 18 lakhs. So this is Rajesh Satoskar. And he and his wife both are TOT agents. And every year they change their Mercedes. And their son lives in USA, you know. Their son lives in USA. And so these are the four questions that people normally ask. I would just like to summarize by saying that today I have come inside your place. Most people come for taking away your money. Right. For the first time, we have come here to give you continuous money for lifetime. So this opportunity is just like Lakshmi in Hindu goddess. So Lakshmi is knocking your door. You know, shall we come inside? Can you allow us? Now you have to say yes or no to that. Of course, yes. And what's the procedure to get started? Wonderful question. To get started is getting started. So these are the steps. Number one would be submitting documents. Okay. See, documents is Praveen, konsa documents lagte hain? Okay. Standard age proof, proof of every education, 10th standard, 12th standard, jo bhi, PAN card, Aadhar card, and a Xerox of your photocopy, a checkbook slip. Like your KYC thing. Yeah, it's the KYC thing. That yeah. is standard. Yeah. Then the second thing is called clearing IRDA exam. IRDA is Insurance Regulatory Authority, Development Authority. So they are not giving license of selling insurance to everybody. They are only giving it to people who qualify, complete their training and qualify. I was told it's 100 hours. It's 25 hours. And it's an online class. So if you attend for 1 hour a day, it takes 25 days. If you attend for 2 hours a day, it takes 12 days. If you take 4 hours a day, it takes around 6 days. Within 6 days, you complete that IRDA training, mandatory. And you know, you have to appear for the exam and you know, you have to pass that. And third is showing the presentation. So this lifestyle presentation, we are going to give you and train you about how to show this presentation. Yeah, I was about the training. Yes. So let us say by the time you actually get started, after taking up, submitting the documents, it would be somewhere around 15, 20 days. So, and after that, I mean, from the next month itself, you are going to make that 1 lakh kind of your money, something. So this is the idea we thought we'll come and share with you. I mean, we should do it, right? It's a good opportunity. Then Rajesh. So shall we fill up the form or something? Yeah, or, why not? Abhi form hai ke baad mein kare. So Praveen is the person who is in charge of, you know, I'm recruiting people out here. So he will follow up with you. Yesterday, I think you exchanged your cards also. Yes. Yeah, so Praveen, you can follow up. Yeah. Thank you so much for your... Just WhatsApp us the documents that are required so that we can keep those ready. Yeah. That was a wonderful presentation, Rajesh. I mean, spot on you were. Yeah. And very informative. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you for coming. Yeah. So let me pack this up and... It's a kit. So you know, for different kinds of people, we have different explanations. So. What can I offer you, Rajesh? Nothing, because you know I'm already on the on the go. We will, you know, the program is going on. That's the reason this guy is standing with this camera. So we are actually live. Right. So you can have a cup of tea live. No, I just want to take this opportunity, this 1 hour. I will again come back to your place and, you know, we can have a cup of tea. And because, you know, I have got to do some more presentations today. So you'll have to excuse us for that. Okay. Thank you so much. Thank you for coming to that. Yeah. Thank you so much. By the way, this is Varsha. Hi. She's one of the top performers. Both these are top guys in Bombay. Achha. Yeah, so lovely. Yeah, so they are also with me and we are, you know, working together. Okay. Yeah. Thank you so much.
वीडियो ऑन ऑडियो ऑन सब लोगों को दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है दोस्तों किसी को कुछ बात करना है पूछना है तो यू कैन गेट स्टार्टेड अभी ये एक बड़ा सोसाइटी है सोसाइटी से बाहर जाते जाते जरा टाइम लगेगा तो मेरा हेलो मेरे को समझ में नहीं आ रहा हेलो हाँ सर आपको मैं सुनाई दे रहा हाँ जी कौन है अभी नाम बताइए आवाज आ रहा है सर प्रकाश चंद्र शेट्टी हाँ अभी पूरा प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखा हाँ सर देखा है आवाज सुनाई दे रहा था हाँ सर क्लियर था और वो प्रोस्पेक्ट का भी आवाज सुनाई दे रहा था प्रकाश चंद्र शेट्टी साहब हाँ सर एक्सलेंट एक्सलेंट या यार सो यू नो वी आर ऑन द गो नाउ उनके घर से बाहर निकले एंड वंस वी आर आउट ऑफ दिस सोसाइटी हम लोग रोड के ऊपर देखेंगे बाजू में एक पार्क है तो पार्क में मेरा इंटेंशन है कि आज जाऊं मैं और वो पार्क में घुसकर कोई भी अगर हमको स्टेशनरी मिलते हैं तो उन लोगों के साथ बात करें ऐसा आइडिया है राइट तो आप में से किसी को अगर कुछ पूछना है बात करना है यू नो आई रियली डोंट नो क्या हो रहा है रोज जब क्लास करते हैं ऑडियंस सामने रहते हैं मैं तो आज पूरा की पूरा ऐसे काम करता जा रहा हूँ ना आप में से किसी को देख पा रहा हूँ मुझे ना मालूम है कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं तो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है आप में से अगर किसी को कुछ पूछना है तो जब तक प्रोस्पेक्ट ना मिले हम बातें कर सकते हैं अच्छा था सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एनीबॉडी एनी क्वेश्चंस कैसा रहा आप लोगों बहुत बढ़िया एकदम बढ़िया था सर ग्रेट मॉर्निंग सर क्या बोल रहे हैं ग्रेट मॉर्निंग बहुत हां वो सब ग्रेट मॉर्निंग बंद करके सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं बहुत सारे लोग ना सारा जिंदगी ये पूछते रहते किसी अगर कस्टमर के पास गए बोलना क्या है दिखाना क्या है एजेंसी के बारे में शुरुआत कैसे करने का है कैसे मैं उनको एजेंसी के लिए मनाऊं कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है क्या कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका है क्या तो ये सब ना मैं जब बोलता हूँ क्लासरूम में बैठकर मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग यू नो ऐसा जाके बात करिए ऐसा दिखाइए ऐसा जाकर बोलिए ऐसा समझाइए ये ऐसा चाहिए करिए वो सब के सब एक थियरी टाइप हो जाता तो एक मजबूरी रहता है कि जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में है या ऑनलाइन क्लास में है क्लासरूम एनवायरनमेंट में है वो टाइम पर एक मजबूरी के अंदर काम करना पड़ता है तो जितना भी बता रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आ रहा है कि नहीं मालूम नहीं मगर फॉर द फर्स्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूँ एक ऐसा कोशिश कर रहा हूँ एक प्रयास मेरा जारी है कि मैं आप लोगों को इंस्टेड ऑफ टेलिंग एंड यू नो लेक्चरिंग एंड टीचिंग मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं सीधा करके दिखाऊं और ये प्रोग्राम को आपके सामने पेश करूं राइट सो अभी उनके पास गए ऑफकोर्स अस्ताद मेरा दोस्त है फंडामेंटली वो आदमी जैसा मैंने प्रपोज किया कल वो तैयार था वाइफ को आज मैं मिलने से पहले रेडी करके रखा था एंड वाइफ वाज आल्सो काइंड एनफ परी उनका नाम है एंड शी टुक अप एजेंसी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो लोग पूछने से पहले हम लोगों ने उनके दिमाग में वो सारे क्वेश्चंस डाला एक जो इंश्योरेंस एजेंसी को कैनवास करने के लिए फंडामेंटली टाइम लगना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट लगना चाहिए अगर उससे पहले वो तैयार हो गए तो वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ तैयार हो गए ऐसा हो सकता है राइट तो उनको पूरा इंफॉर्मेशन एजेंसी के बारे में बेसिक आइडिया आने जैसा चार किट में डिवाइड किया पहला किट ये है तो इस किट दिखाते वक्त हमारा जॉब नंबर वन है कि ये MDRT एजेंसी है बोलकर इंट्रोड्यूस करते करते 6 बेनिफिट क्लियरली समझाएं तो 6 बेनिफिट समझाना रास्ते में खड़ा हो तो ये जरा सा डिस्टर्बेंस साउंड का 6 बेनिफिट समझाना है ये खत्म होते होते उनको पूछना कि उनको चीज पसंद आया अगर उनमें से वो कुछ सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब देना वरना हमको खुद को प्लान करना है कि 4 सवाल लोग पूछते हैं बोलते हुए तो ये दिखाना पहला काम हो गया उसके बाद कुछ भी करके रास्ता बनाकर हम लोगों को ये MDRT TOT लिस्ट दिखाना जरूरी
ये लिस्ट अगर नहीं दिखा रहे हैं तो हम लोग समझ लो कि वो उनको बात समझ में नहीं आ रहा। तीसरी बात, हर प्रोस्पेक्ट को लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन भी दिखाना जरूरी। मतलब ये जो प्रेजेंटेशन है उनको समझाता है कि हमारा जो तरीका है दूसरों से पूरा एकदम अलग है वगैरह, राइट। एंड तीनों होने के बाद आप उनको उनके डाउट्स के हिसाब से, मन के हिसाब से दूसरा कुछ भी दिखा सकते हैं, जिसका मतलब है वो जॉब वाले हैं तो जॉब वाला सेक्शन दिखा सकते हैं, लेडीज है तो लेडीज वाला सेक्शन दिखा सकते हैं, यू नो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन वाला सेक्शन दिखा सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर सामने अगर देख सकते हैं तो एक पार्क है, लालू भाई पार्क बोलते हैं, तो हम लोग बॉम्बे के अंधेरी वेस्ट इलाके में लालू भाई पार्क के सामने है, तो मैं अभी लालू भाई पार्क में एंट्री मारता हूँ। ये पार्क के अंदर बात ऐसा है कि लोग स्टेशनरी होते हैं, ऐसे पार्क में जब जाकर लोगों से बात करते हैं हमको एक्चुअली 15-20 मिनट भी मिलता नहीं है, 10 मिनट ही मिलता है, जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ता है। एंड हर कस्टमर के साथ अनुभव अलग होता है, वो क्या बता सकते हैं, वो क्या दिखा सकते हैं। वैसे वर्षा एंड क्या बोलते हैं प्रवीण, वो दोनों की दोनों पहले से जाकर लोगों से मिलकर बातें कर रहे हैं। यहाँ पर ओल्ड पीपल है अलग अलग, सब योगा वीगा चल रहा है। ऑल आर स्टेशनरी पीपल, वी कैन सेलेक्ट एनीवन, राइट। तो एक जगह पर मैं पहले खुद स्टेशनरी हो जाता हूँ, और स्टेशनरी होने के बाद यहाँ पर प्रवीण भी आ चुके हैं, वर्षा भी आ चुके हैं, हाँ। राइट, ये इन लोगों का रोज का वॉकिंग एरिया जैसा लग रहा है। प्रवीण, वर्षा, मेरे हिसाब से आज यहाँ पर हम लोग बहुत सारा भीड़ वहां पर है, दे आर टू ओल्ड, कोई एक स्टेशनरी को पकड़ के हमको ट्राई करना चाहिए। प्रवीण, तो आप भी ट्राई करिए, अगर आप में से किसी को मिलता है तो आप प्रेजेंटेशन करते रहेंगे, मैं आपको मेरा स्पीकर आपके पास कन्वर्ट करता हूँ। या एक मिनट वर्षा, सामने वाले को ही बात कर सकते हैं, तो वहां पर मैं इधर आ जाना। तुम वर्षा अगर देख सकते हैं पीछे ट्राई कर रही है, राइट, तो वो है ट्राई करने का तरीका। आप जा रहे हो, किताब दिखा रहे हो, बात करो, उसको क्लोजअप में दिखाओ। एक होता है बॉडीली रेसिस्टेंस। बॉडीली रेसिस्टेंस मतलब है हम कभी किसी को रास्ते में ऐसा बुलाकर बात करते हैं, एक्चुअली बैठा हुआ नहीं है वो, स्टैंडिंग पोजीशन में हम बात कर रहे हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में वो स्टेशनरी पूरा हुए नहीं है, एंड वो टाइम पर उनको ना वो फियर, बॉडीली फियर मतलब बॉडी को डर लगता है कि यार कहीं फंस ना जाऊं, इनको हाँ बोलने से मेरा कुछ बुरा ना हो जाए, साथ में ना मेरे को टाइम खत्म हो रहा है, वो वाला प्रेशर रहता है। तो वो सब के सब में वो सही तरीके से ऐसे जगह पर हाँ मिल पाना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, एंड दैट्स ओके, राइट। हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, और उसमें से इवन तो स्टेशनरी होने पर भी हम लोगों को सिलेक्टिव होना जरूरी है कि किसके साथ कब जाकर कैसे बात करें। या तो और कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं और 4 लोग 10 लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों को रिएक्शन नेचुरल नहीं होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ से उस तरफ चलते हैं, देखते हैं अगर यहाँ पर सिंगल पर्सन है तो उनसे बात कर सकते हैं क्या, और उसमें अगर कुछ मतलब निकलता है तो कभी कभी। यहाँ पर एक लेडी है सिंगल बैठे, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, दूर रहना। हेलो मैम, नमस्ते। या आई एम अ लिटिल बिजी। ओके, थैंक यू। तो ऑलरेडी शायद वीडियो कॉन्फ्रेंस में है, तो मैं मिलना है, कोशिश करना है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट देम आल्सो, राइट। ओवरवेलमिंगली उनके ऊपर टूट पड़े, इससे अच्छा रिस्पेक्ट करें। जब आप किसी से बात कर रहे हो और 10 लोग देख रहे हैं तो वो टाइम पर लोगों का रिएक्शन नेचुरल नहीं होता है, राइट। तो स्टेशनरी में भी ऐसा लोगों को जाके मिलो जो सिंगल है, and the obligation of a shopkeeper
आपको बात करने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, वो दुकान खोल के बैठे हैं कि वो आपको यू नो बात कर सके या यू नो कस्टमर को इनवाइट करने के लिए खोल के बैठे हैं। तो दैट इज फंडामेंटली द वे। तो यहाँ पर जितने भी लोगों को मैं आज सुबह किस टाइम पर जो लोगों को देख रहा हूँ, मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है कि यहाँ पर छेड़ना चाहिए, राइट? हम लोग इस पार्क से बाहर चलते हैं और कोई रास्ते में जाते जाते देखते हैं अगर कोई मिलता है, यू नो। तो ये जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप रोज एक किट लीजिए, इस तरह मैं लेके अभी चल रहा हूँ, और किट लेके आप लोगों को जाकर मिलिए, रास्ते में घूमते रहिए, और कोई भी आदमी आपको लगा कि बात करना चाहिए कर लीजिए, राइट? बात करने को डिसाइड करने के लिए दो नियम है। नंबर वन, वो स्टेशनरी होना चाहिए। स्टेशनरी मतलब बैठा हुआ है, राइट? बैठा हुआ लोगों को हम बात करेंगे तो वहां पर पॉसिबिलिटी, यहां पर स्टेशनरी है कि दुकानदार को हम बात करते हैं। नमस्ते, आप ओनर है दुकान के, काम करते हैं? तो मैं एक मिनट बताना चाहता हूं, इसको यहां रख देते हैं। मेरा नाम राजेश टैगोर है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता हूं मैं। एनडीआईटी एजेंसी बोल के एक नया प्रेजेंटेशन है, इसको दिखाने में 15 मिनट्स लगता है। तो मैं आपको कब दिखाने से ठीक रहेगा? 15 मिनट अभी दिखाए, कल दिखाए, परसों दिखाए, कब दिखाए? हाँ जी, सेट तो आपको मैं दिखा के चला जाता हूँ, सेट लोगों को दोबारा आके दिखा लेता हूँ। अगर आपको 15 उनको आ जाता, आपको दिखाने में मैं आपको पूछ रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल, ये नहीं ले सकते ना, खाली देख सकते हो तो देख लो बस, पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, देखने में क्या जाता, कोई जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए। आपको आपको ऑब्जेक्शन है देखने में? ऑब्जेक्शन नहीं है? मैं यहाँ पर खड़े होकर दिखाऊँ कि अंदर आ जाऊँ? कहाँ पर? वो तो कर लेंगे भाई। क्या नाम है आपका? शैलेश भाई। तो आप मेरे को बताए, खड़े बाहर रहूं कि अंदर आऊं? मतलब कोई भी कस्टमर अगर आएगा तो मैं चुप रह जाऊंगा, आप आगे देख सकते हैं, वो टाइम पर हम देख लेंगे, क्या बोलते हो आप शैलेश भाई? क्या कितना? गवर्नमेंट घर में बैठ के आपको सिखा रही है, इसलिए जीएसटी सीख सकते हैं आप कोई भी। बहुत ही बढ़िया। 274। जब आप शॉपकीपर वगैरह के पास जाते हैं तो उनके टाइम का कन्वीनियंस देखना जरूरी रहता है, सो दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। आप देखना चाहोगे? है तो इमरजेंसी में। हाँ जी, इमरजेंसी में। ठीक है, इमरजेंसी में। शैलेश भाई, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ जी, इधर ही खड़ा हो जाओ, उधर आ जाओ। हाँ जी, तो ये LIC का MDRT एजेंसी बोल के नया चीज आया है। इस एजेंसी में जैसा LIC एजेंट बोल के एक चीज होता है ना, उसका ये अपग्रेडेड वर्जन है। 6 बेनिफिट मिलता है सैलेश भाई आपको। पहला बेनिफिट, MDRT एजेंसी में आपको सालाना 12 लाख कमीशन मिलता है, राइट? यानी पहला महीने से आप लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली कमा सकते हैं सैलेश भाई। तो चार प्रकार के एजेंसी होते हैं। नॉर्मल एजेंट, ये नॉर्मल एजेंट लोग अप्रोक्सीमेटली मंथली इनकम 17,000 कमाते हैं, सालाना 2 लाख कमाते हैं। दूसरा हो गया MDRT एजेंसी, ये कम से कम मंथली 1 लाख और सालाना 12 लाख कमाते हैं। तीसरा COT एजेंसी है, चौथा TOT एजेंसी। मैं आज आपके साथ MDRT एजेंसी की बात करने आया हूँ, ये MDRT एजेंसी का इन्फॉर्मेशन। ये हो गया बेनिफिट नंबर वन, 6 बेनिफिट मिलता है मेन। दूसरा बेनिफिट है, हर साल आपको USA जाने का मौका मिलता है MDRT एजेंसी, राइट? MDRT में आप अकेले जा सकते हो, TOT में अपनी वाइफ के साथ जा सकते हो। आया है तो जब आप शॉपकीपर्स वगैरह से बात करते हैं तो उनको क्लाइंट्स को अटेंड करने के लिए टाइम देते रहना चाहिए और आपको भी अलर्ट रहना चाहिए। वो कंफर्ट अगर नहीं दे सकते हैं तो वो बात नहीं करें, तो वो एक रूल है उनका, बिजनेस को प्रायोरिटी देना, राइट?
तो ये हो गया बेनिफिट नंबर टू। तो 1,00,000 है, यूएसए विजिट है, उनका हो गया। थर्ड बेनिफिट है शैलेश भाई, एमडीआरटी एजेंसी आपको रिन्यूअल कमीशन देती है। रिन्यूअल कमीशन एक पेंशन जैसा है। नॉर्मली लोगों को पेंशन कब मिलता है? रिटायर होने के बाद, 40 साल के सर्विस के बाद। एमडीआरटी एजेंसी में पेंशन दूसरे साल से ही मिलता है। एक साल खत्म हो तो पेंशन चालू, तो सेकेंड ईयर से आपको, एक साल खत्म हुआ मंथली पेंशन 15,000 स्टार्ट हो जाएगी, 2 साल के बाद वो 30,000 हो जाएगा कस्टमर। पांच साल बाद ये बन गया 75,000, 10 साल बाद हर महीना जिंदगी भर काम करो या ना करो आ रहा है 1,50,000 रुपया, ये पेंशन है, रिन्यूअल कमीशन। चौथा बेनिफिट है एमडीआरटी एजेंसी में आपको हेरिडिटरी कमीशन बोल के मिलता है शैलेश भाई, जिसका मतलब है ये जो पेंशन, समझो आपने 10 साल काम किया तो आपको 1,50,000 जो आना है ये आपको तो मिलेगा, मगर आपके बाद आपके वाइफ को मिलेगा, आपके वाइफ के बाद बच्चों को मिलेगा, बच्चों के बाद आप जिसको भी नॉमिनी चाहते हैं उसको मिलता रहेगा। ये पैसा जो 1,50,000 है, जो 4,50,000 है, 75,000 एवरी मंथ आपको ये कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। ये हो गया बेनिफिट नंबर 4। बेनिफिट नंबर 5 है एमडीआरटी एजेंसी में आपको इंटरेस्ट फ्री कार मिलता है, जिसका मतलब है आप 5,00,000 का कार दूसरे साल में खरीद सकते हैं या 30,00,000 का कार यू नो टीओटी एजेंसी में खरीद सकते हैं। ये पांचवा बेनिफिट है। छठा बेनिफिट है आपको इसमें मकान खरीदने का मौका मिलता है। एमडीआरटी लेवल में 25,00,000 का है, टीओटी लेवल में 1,00,000 का मकान। तो ये 6 बेनिफिट है जो आपको एमडीआरटी एजेंसी देती है। इसमें से आपको आपके मतलब का कौन सा लग रहा है? आप अगर देखेंगे 1,00,000 रुपया है मंथली, यूएसए है, रेन्यूअल है 15,000 के हिसाब से, ऐसा बढ़ता रहेगा, ये हेरिडेटरी है, कार है, मकान है, आपका मतलब का कौन सा? इनमें से आपको कौन सा मतलब लगता है कि ये मिलना चाहिए? रेन्यूअल का ही अच्छा है। रेन्यूअल का अच्छा है, वही क्यों अच्छा लगा आपको? आप काम नहीं कर रहे हो तो भी पैसा आ रहा है, वो 5 साल के बाद काम नहीं करोगे तो भी सारा जिंदगी पैसा आता रहेगा, पहला 5 साल आपको एजेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, वो एक क्लॉज है, मगर रिन्यूअल आपको दूसरे साल से स्टार्ट हो जाएगा, राइट? 5 साल के बाद काम छोड़ दिया तो भी आता रहेगा पेंशन जैसा, राइट? तो एजेंसी लेने से पहले लोग 4 क्वेश्चन पूछते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं एजेंट बन गया तो मुझे करना क्या होगा? तो उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, क्या करना होगा? बोलते व्हाट इज गोइंग टू बी द जॉब। एजेंसी में आपका टोटली 4 फेज आते हैं, हर फेज में आपका जॉब अलग रहता है। फेज 1 को हम इनिशियल सक्सेस पीरियड बोलते हैं, और इनिशियल सक्सेस पीरियड जुड़ने के बाद फर्स्ट 18 मंथ्स होता है, और उसके वक्त आपका जॉब होता है लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाना, और डेली 10 को महीने में 200 लोगों को दिखाना। ये स्टैंडर्ड नहीं है, आप इसको यू नो डेली 5 और महीने में 100 भी कर सकते हैं, और उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन क्या है? ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन, कोई कस्टमर आया, तो ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन बोलते हैं।
जैसे मैं आपको आके ये दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा काम है, आप इमीडिएट एजेंट बन गए तो लोगों को जाकर ये दिखाना आपका काम बन जाएगा। तो ये हो गया आपका फेज वन, 18 पहला 18 महीना आपका जॉब। फेज टू में आपका काम जरा बदल जाएगा, फेज थ्री में और जरा बदल जाएगा, फेज फोर में आपका काम ऐसा बदल जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि मेरा काम क्या है। दूसरा क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि मैं दुकान चला रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ या मेरे काम मतलब ये आसान है या मुश्किल है, राइट? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एमडीआरटी का लास्ट ईयर का ये लिस्ट है, एलआईसी के अंदर कितने लोगों ने एमडीआरटी किया, राइट? जब ऐसे दुकानों में आके प्रोग्राम देते हैं तो बीच बीच में इंटरप्शन होता रहेगा, दिस इज अनअवॉइडेबल। अब क्या है, हम लोग सुबह 7:30 से 9 बजे तक का प्रोग्राम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम के अंतर्गत जो अच्छे बातें हैं उसको हमको लेना है और जो चुनौतीपूर्ण बातें हैं, जो चैलेंजेस है, डिफिकल्टीज है, उसको भी हमको स्वीकार करना ही। तो उस चीज को ध्यान में रखना, हमको पेशेंस होना जरूरी है। कस्टमर्स आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अब इस इलाके में मैं काम करते वक्त मुझे यही एक स्टेशनरी आदमी मिला, पार्क में हमने देखा, वहां पर लोग तो थे मगर स्टेशनरी होने के बावजूद जब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो टाइम पर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, उनका रिएक्शन नेचुरल नहीं रहता है। आपने देखा होगा द रिस्पॉन्स पार्क में अलग था और इस आदमी का अलग था। ये आदमी का अलग इसीलिए था क्योंकि स्टेशनरी था और उसके पास वो टाइम पर टाइम था, जब टाइम रहता तो लोग देख लेते हैं, राइट? तो इस छोटे छोटे बातों को भी आपको ध्यान रखना है। जब शॉप्स के अंदर हम लोग रहते हैं तो कंटिन्यूअसली लोगों को आना जाना ये सब वेरी कॉमन है, रहता ही है, तो हमको एडजस्ट करना पड़ता है, राइट? अब हम इनको यू नो सेकंड बेनिफिट दिखा रहे हैं, लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाना ही है, टीओटी स्कूल टीओटी बुक जो है, एमडीआरटी लिस्ट जो है वो दिखाना ही है और एमडीआरटी का 6 बेनिफिट बताना ही है। ये तीनों काम जब तक नहीं किया हम लोगों ने एजेंसी के बारे में बराबर बात नहीं किया है। ये तीनों कर दिया तो बेसिक आइडिया तो दे दिया, उसके बाद हम इसको फॉलो अप वगैरह करवा सकते हैं। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट, ये एक बार हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों से बात करने को कोशिश करूंगा, राइट? मेरे आज इंटेंशन है कि 9 बजे से पहले एक और डेमो करो, ये अभी दूसरा चल रहा है, एक तो अस्तादन परी का हो गया, ये दूसरा चल रहा है, एक और कर लें तो उस मतलब दैट वुड मेक इट ए आज का 1.5 घंटा हमारा वैलिड लगेगा, ऐसा लगेगा। पूरा दिन जब काम करते हैं हमारे पास सफिशियंट टाइम रहता है, दोपहर के टाइम पर दुकानें एकदम खाली रहते हैं, वो टाइम पर ना वो मोबाइल पकड़ के बैठा है, कुछ नहीं कर रहे, कोई शॉपिंग मॉल में घुस गया दोपहर के टाइम पर तो इतना खाली रहता है कि उनके पास कोई कस्टमर नहीं, आधा आधा घंटा आप बैठ के बात कर सकते। सुबह के टाइम पर दुकान खुले ही नहीं, अभी शॉपिंग मॉल में मैं जाऊं तो कोई शॉपिंग मॉल खुला ही नहीं रहता, तो हम लोग वहां बात नहीं कर सकते। तो शैलेश भाई, ये जो है एमडीआरटी सीओटी टीओटी का लिस्ट बोलते हैं ना, तो लास्ट ईयर एलआईसी में जो लोग बने हैं आप देख सकते हो, उनका सीरियल नंबर है, नाम है, एजेंसी कोड है, डिविजन है, ब्रांच है, ऐसा कितना प्रीमियम लाए, कितना कमीशन लाए, तो ये सब जो है वो लास्ट ईयर के एलआईसी के एमडीआरटी हैं, ये सब भी ये एमडीआरटी के एजेंट लोग हैं, ये सब भी हैं, ये सब है ऐसा, राइट? कोई कस्टमर आया है, देख लीजिए। तो वो जो 2 मिनट का पेशेंस अगर रख सकते हैं, देन वी अगेन गेट टाइम। इफ यू बिकम इंपेशेंट एट दैट टाइम वी लूज। या तो ये सब अगर देखेंगे, ये सब है ऐसा, लास्ट ईयर कितने लोग बने हैं आप अगर देख सकते हैं, टोटल नंबर 16,511
लोग लास्ट ईयर ये एमडीआईटी बन चुके हैं, जिनका मतलब है उनको लाख रुपया महीने का मिल रहा है, 12 लाख सालाना मिल रहा है, उनको रेन्यूअल कमीशन मिल रहा है, उनको यूएसए जाने का मौका मिल रहा है। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि टाइम वाला बात करने पर वो क्लोज हो सकता है इलस्ट्रेशन। तो ये हो गया तीसरा बात, इतने लोगों ने जो एजेंसी दिया। लास्ट एंड फाइनल बात आप अपनी, आप दुकान कितने बजे खोलते हैं, कितने बजे बंद करते हैं? सुबह रात को 10 बजे आप अकेले बैठे रहते हैं? अच्छा, दूसरा भाई आप कितने बजे फ्री होते हैं नॉर्मली? 10 बजे तक। अच्छा, उसके बाद 10 बजे तक इधर है, सुबह 7 से 10, उसके बाद रात को 10 बजे तक। अच्छा, आप 10 बजे तक इधर ही हो, दोनों मिलके करते हैं। इसमें देखिए ऐसा ऑप्शन है कि एमडीआईटी एजेंसी में आप डेली 1 घंटा भी कर सकते हैं, डेली 2 घंटा भी कर सकते हैं, डेली 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 5 ऑप्शन है। आप डेली 1 घंटा करते हैं तो 1 महीने के बाद अप्रोक्सीमेट मंथली इनकम 15,000 रहेगा, 1 साल बाद आप अप्रोक्सीमेटली 25,000 कमाते रहेंगे, 10 साल में 1,20,000 पर आएगा, प्लस रेन्यूअल है। 2 साल के बाद ये 30,000, 50,000, 2,500, यानी मंथली 30,000 के लेवल, 2 घंटा अगर किया तो मंथली 30,000 पर पहुंच गए, 1 साल बाद 50,000 पे पहुंच गए, ऐसा हो जाएगा। आप 1 घंटे के हिसाब से पसंद करेंगे या 2 घंटे के हिसाब से पसंद करेंगे? टाइम तो देखना पड़ेगा। आइडिया अच्छा लगा आपको? टाइम देना चाहिए। हाँ ठीक है, नहीं टाइम के साथ साथ ये करियर है, अभी इतने सारे लोग आ रहे हैं तो आप उनको अटेंड कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे आपके पास मेरे जैसे जो भी लोग आते हैं ना, पैसा लेने के लिए आते हैं। मैं पहली बार ऐसे आया हूँ जो आपको करियर दे रहा हूँ जिसमें सारा जिंदगी अगले 40 साल पैसा मिल सकता है। शैलेश भाई, ये लास्ट एंड फाइनल बातें मैं बोल के निकल जाऊंगा, तो मैं आपके पास जो आया हूँ अगला 40 साल पैसा आपको मिल सकता है करियर देने को आया। आप मेरे को अगर हाँ बोल रहे हैं यानी 40 साल पैसे को हाँ बोल रहे हैं, मेरे को अगर आप ना बोल रहे हैं 40 साल पैसे को ना बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे 40 साल पैसे को, हाँ या ना? हाँ, तो ये आप इंडिया में कहीं भी रह के कर सकते हैं। हाँ, तो मैं मेरे कलीग को बुलाता हूँ, वर्षा या तेरे बुलाता हूँ, उस तरफ चले गए हैं, तो मैं कुछ टाइम पर रिटर्न होता रहूंगा, गाड़ी मेरे। हाँ, आपका नंबर बताइए मेरे को, यहाँ लिखो, शैलेश भाई। शैलेश पूरा नाम? हाँ जी, 9029197516 ये आपका मोबाइल नंबर है। तो थैंक यू सो मच, जाएगा आपसे मिलकर, दुकान में इतने बिजी होने के बावजूद आपने हमको टाइम दिया। आपके फैमिली में आप कितने पढ़े लिखे हैं? 10th है। फैमिली में कोई है जिनको जॉब चाहिए या वाइफ के नाम पर, किसी के नाम पर आप लेके चला सकते हैं? आपका शादी नहीं हुआ? ओके, तो भाई हैं जो जिनका, वो क्या करते हैं, वो भी दुकान चलाते हैं? 3 जन दुकान पे रहते हैं। ओके, ठीक है, राइट। इसमें एक चीज है शैलेश भाई, मैं ये एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। ये लास्ट एंड फाइनल है। एक आदमी नौकरी कर रहा है, जिस दिन उसको कुछ हो गया, पैसा आना फैमिली के लिए बंद है, फैमिली को जीरो इनकम मिलता है। एक आदमी दुकान चला रहा है, उसको कुछ हो गया,
दुकान को कुछ हो गया, इनकम स्टॉप्स फॉर फैमिली, फैमिली को जीरो इनकम। दुकान के साथ साथ आप एमबीआईटी एजेंसी भी चला रहे हो, जिस दिन भी आपको कुछ हो गया, दुकान को कुछ हो गया, इनकम बंद नहीं होता है, पूरा लाइफ लॉन्ग आपको रेन्यूअल इनकम मिलता रहेगा। तो आज आपके पास मैं इनकम का सोर्स लेके आया हूं, उसको हाँ कर देना चाहिए। हाँ तो नंबर है, मेरे स्टाफ आएंगे आपसे बात कर लेंगे, मैं कार्ड दिलाता हूँ, रिटर्न आते हुए दिलाता हूँ। थैंक यू सो मच शैलेश, तो दैट वाज शैलेश भाई, उन्होंने नंबर दिया है। ऐसा मैं आज आप देखेंगे सुबह 7:30 बजे स्टार्ट हुआ, अभी पता नहीं टाइम कितना हुआ है। दो लोगों के साथ मैं रास्ते में घूमते हुआ आज मैंने बात किया है, ये है मैं जो आपको सिखाता हूँ। आप डेली जाइए, लोगों को मिलिए, बात करिए, राइट। बात करने से कुछ बनेगा, घर में बैठने से नहीं बनेगा, मोबाइल में रहने से नहीं बनेगा, टीवी देखने से नहीं बनेगा, यूट्यूब में रहने से नहीं बनेगा, बनेगा जब आप कुछ बताएंगे, कुछ करेंगे। तो वही चीज बताया जा रहा है, आप जाइए लोगों को मिलिए। यहाँ पर बहुत सारे प्रोस्पेक्ट मेरे को नजर आ रहे हैं जो जा रहे हैं वगैरह, मगर वो स्टेशनरी नहीं है तो हम उनके साथ बात नहीं कर सकते, राइट। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पर सामने दिखाई दे रहे हैं वो वर्षा एंड प्रवीण। पार्क व्यू होटल हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं मुंबई के, यहाँ पर बहुत सारा भीड़ है मगर ये मूविंग क्राउड है। कभी भी मूविंग क्राउड के साथ कोल्ड कॉलिंग में बात नहीं करना चाहिए। हाँ यहाँ पर 5-10 मिनट और चलते हैं, कोई भी अगर मिला वो दुकानदार को एक बार फॉलो अप करने से, आपका कार्ड दे दीजिए, ये नंबर पकड़ो, हाँ प्रवीण तुम पकड़ो, ये शैलेश शेट्टी है, आफ्टर 10 o'clock के आते हैं, सो ये हम लोग बहुत जल्दी है, व्हाट इज द टाइम नाउ बाय द वे, 8:35। वन मोर कॉल हम ट्राई करते हैं, इस तरह से वॉक करते हुए जाएंगे। हाँ जी, तो जब तक हम वॉक कर रहे हैं कोई मिलेगा तो मैं अपना प्रेजेंटेशन को बीच में रोक दूंगा और मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा। तब तक आप में से अगर मेरे साथ कुछ बात करना चाहता है, कोई पूछना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क एनीबडी। क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में आज, क्या है, आप कैसे हो, किधर बैठे हो, क्या कर रहे हो, मेरे को जरा भी दिखाई नहीं दे रहे हो आप लोग। मैं सिर्फ रास्ते में जा रहा हूँ और जो मेरे को मन कर रहा है सब मैं बात करता जा रहा हूँ। आप अगर अनम्यूट करके बात करेंगे मेरे साथ तो मुझे कनेक्ट लगेगा। जो दुकानदार को दिखाना चाहता है सर, जो बिजनेसमैन पार्ट दिखाना जरूरत है कि नहीं सर? हाँ मैं बिजनेसमैन पार्ट इनको दिखा सकता था मगर अभी तक हमारे ट्रेनिंग में वो सब्जेक्ट मैंने कवर नहीं किया है सर, इसलिए वो नहीं दिखाया मैंने। क्या है कि वो दिखाने से पहले हम लोगों ने अगर प्रोग्राम में कवर कर दिया होता तो वो बेहतर होता, राइट। मगर जो लोग पिछले साल ये प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं या उसके पिछले साल अटेंड कर चुके हैं वो लोग वो दुकानदार को दिखा सकते हैं। हम लोग लेकिन वो जरूरी है ना सर दिखाना? हाँ वो दिखाना जरूरी है। दुकानदार अगर मैं हो जाता तो इनको मैं डेफिनेटली बिजनेस वाला बात दिखाता, कैपिटल वाला बात दिखाता, इन्वेस्टमेंट वाला बात दिखाता, वो सबके सब ये शैलेश शेट्टी को मैं दिखाता, राइट। थैंक यू सर। और मैं जानता हूँ कि वर्षा या प्रवीण, प्रवीण खास करके इनके साथ जब फॉलो अप करेंगे उनको वो दिखाएंगे, राइट। सर एजेंसी के लिए तो 10th स्टैंडर्ड ही एलिजिबल है ना? अच्छा एलिजिबल है क्या? मेरे को उतना सारे बातें नहीं मालूम है मेरे को एजेंसी के बारे में। मैं सोच रहा था कि अर्बन में 12th था एक जमाने में, जी आजकल 10th हो गया। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि 12th हो गया तो ठीक है, तो शैलेश चलेगा। जी हाँ जी, उसी पर हमारा ध्यान गया सर कि हम उसको छोड़ का है, छोड़ेंगे नहीं सर। हाँ जी नहीं, बात छोड़ने का है ही नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। अमरजीत देशमुख बोल रहे हैं। अरे तुम्हारा नाम भी मत बोलो, डायरेक्टली सवाल। अच्छा अभी अभी जो आपने दुकान में प्रेजेंटेशन दिया है इसके एक बार साफ हो गए, स्पेशल रखना जरूरी है, उनके पास बार बार कस्टमर आते हैं, सबको स्पेशल रखना जरूरी है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोला आपने, पेशेंस रखना जरूरी है। हम लोग हमारे काम के लिए गए हैं, आप लोग मेरे को देख रहे हो, इतने सारे लोग देख रहे हैं, मगर जो काम है उनके हिसाब से होना चाहिए, कस्टमर इज फर्स्ट। हम अपना दम वहां पर दिखा नहीं सकते, उनका बिजनेस करता हुआ पेशेंस रखा, लोग आए खरीदे गए
और हमारा पूरा प्रेजेंटेशन हुआ। और उसमें इंटरप्शंस होते हैं। हाँ जी, अभी नहीं भी चाहे तो उनको बोलना पड़ता है, पहले कस्टमर देख लो, बाद में अपन देखेंगे, तो उनको अच्छा लगता है। बिल्कुल, वो बेसिक रिस्पेक्ट होता है, राइट? गुड ऑब्जर्वेशन है, यस। हाँ जी, आप लोग कल कुछ किया है? आप लोगों को डेली 20 लोगों को ऐसा मिलना, मैं मेरे प्रोग्राम में 1.5 घंटे के अंदर 1 घंटा लेक्चर देता हूँ, कोल्ड कॉल कर रहा हूँ, आप तो पूरा दिन आपके पास टाइम है और आपका यही काम है, बराबर है ना? तो आपको जाना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। आप ट्राई करो, अगर कोई है वो पार्क के अंदर जा रहे हैं। सर, जो नए एजेंट अभी बनाए हैं हमने, उनको भी हमने दिखाया है। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं सामने देख रहा हूँ कि बुढ़े लोग हैं, ये बुढ़े लोग बड़े डेंजरस होते हैं, इन लोगों को एक्चुअली मिलना नहीं चाहिए, यू नो। मगर उनको देखकर प्रेजेंटेशन आपको दिखाने के लिए कर सकते हैं, मगर दूसरा कुछ ऑप्शन है क्या, देखते हैं। राइट, बोलिए बोलिए, बोलो। सर, अब बिजी हैं अभी, ठीक है। ये मेरे को सारा का सारा किट एक साथ लेकर जाना है क्या? नहीं, नॉर्मली 3 या 4 लेके जाना, मैं अभी 4 पकड़ा हूँ। आप अगर देख सकते हैं मैं कौन सा 4 पकड़ा हूँ, मैं पकड़ा हूँ MDRT का पहला, और मैं दूसरा पकड़ा हूँ। सर, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा था। हाँ, एक मिनट, मैं 4 का दूसरा ये पकड़ा हूँ, तीसरा लाइफस्टाइल पकड़ा हूँ, और चौथा मैं जॉब वाला सेक्शन पकड़ा हूँ, ये 4 चीज पकड़ा हूँ मैं। हाँ जी, क्वेश्चन करना चाह रहे थे, बोलिए। आपने पार्क में एक्टिविटी की थी जो स्टेशनरी होने के बावजूद हमने ग्रुप को अवॉइड किया, इंडिविजुअल को हमने पकड़ा, कोई स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? नहीं, ग्रुप में ना, मैं आज यहाँ पर पहली बार आया हूँ, उनको देखने से मालूम पड़ता है वो 15-20-25 साल से सब साथ में घूमते रहते हैं, तो वो ग्रुप मेंटालिटी अलग रहता है। एजेंसी कन्वर्स करने के लिए आदमी फ्री माइंड के साथ हमको सुनना चाहिए, राइट ना? वो आदमी जब सुन रहा है, दूसरे क्या सोच रहा है उस सोच के साथ सुन रहा है, और दूसरों को खुश करने के लिए मेरे को जवाब दे रहा है, और वो कुछ डायलॉग मार रहे हैं, बाकी सब हंस रहे हैं, तो मैं मजाक का पात्र बनता हूँ। तो ये जो डेंजर है उसको अवॉइड करने के लिए पार्क जैसे जगह पर जाते वक्त ग्रुप को अवॉइड करें, सिंगल कोई है तो उन्हीं से बात करें, राइट? समझ में आया आपको? यहाँ पर एक आदमी बैठा है, मगर बहुत ही वो क्या बोलते हैं, वॉचमैन टाइप का है, मुझे उतना भी सिक्योरिटी वॉचमैन टाइप के लोगों के साथ बात नहीं करना। पर्चे वालों से कैसे मिलना, जिसको पहले से पहचानते हो? कौन सा? पहले से पहचानते हो, उनसे कैसे मिलना है, सब जानते पहचानते? अपॉइंटमेंट लेके मिलना है। पहला दिन प्रोग्राम में हमने आपकी आंखों के सामने ही अपॉइंटमेंट लिया था, भूपेश दवे सर के साथ हमने फोन पर बात के अपॉइंटमेंट लिया, और उसके बाद दूसरा दिन हमने उनको बुलाकर बात किया, कल उसके बाद हमने अस्ता सेठना के साथ अपॉइंटमेंट लिया था, उनको लेकर बुलाया, उनको ऑफिस में बुलाकर दिखाया, उन्होंने वाइफ को दिखाने के बाद किया, तो मैंने बोला कि ये टाइम पर आपको मैं अगर उनको दिखा सकता तो ही मतलब है, इसीलिए मैंने वैसे अपॉइंटमेंट लिया, आपको वैसे ही करना है। सर, एक ये अपना ये प्रेजेंटेशन है ना, हाँ, This is new presentation called MDRT Agents Information. Showing this presentation requires roughly 20 minutes. I'll show you tomorrow or day after. Why not today? See, today बोलने पर ना, if he is busy today, उसका ना बोलने का possibilities बढ़ जाता है. The chances of he saying no increases if we put the word today. If we ask him tomorrow or day after, the chances of he saying tell me now increases. Okay. So this is a humanly psychological answer. तो उनको वहां पर पॉजिटिव जवाब लाने के लिए आज ही दिखाओ हमको, हमको सुनने का है तो कल दिखाओ कि परसों, वो पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग उसको अभी चलेगा क्या पूछ सकते हैं हमको, राइट? अभी चलेगा क्या इज सपोज टू बी ए से नो क्वेश्चन, अभी चलेगा या नहीं चलेगा, दोनों में से एक बोलो। तो उसने हाँ अभी चलेगा बोला तो मिला, नहीं चलेगा बोला तो हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। हमारा क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए, कल मिलो कि परसों, मतलब कल चलेगा तो कल करें कि अभी कर सकते हैं, तो अभी भी चलेगा तो तब जाकर हमको पॉसिबिलिटी मिलता है। अभी या कल बोलने पर भी चलेगा, उतना डेंजर नहीं है, मगर कल परसों बोलने पर इफ यू आर आस्किंग देम शैल आई कम टुमारो और डे आफ्टर,
his chances of saying tell me now increases. हम लोग और जरा रास्ते में चलते हैं. This is not a very lucrative area. So you know, हमारे training program में मैं every day से therefore अलग अलग इलाके में जाके घूमने की. हाँ जी सर, अनिल पाल बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन है मेरा. हाँ, मेरे को ना आप अनिल पाल बोल रहा हूँ, मैं ब्रजेश सिंह बोल रहा हूँ, मैं मोहम्मद आरिफ बोल रहा हूँ, ये सब बोलने की जरूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन पूछने का. क्वेश्चन ये है सर, आपने फॉर्मल ड्रेस में या फील्ड में स्टेशनरी सभी के पास जा रहे हो, तो इसके साथ हम क्या ये जो टाई है एलआईसी का लोगों के साथ या तो आईडी कार्ड के साथ हम जा सकते हैं, इससे कोई आप बता देंगे? मैं जरा दुकान में जाता हूँ, बात करता हूँ, उसके बाद हम कोशिश करते हैं. आवाज आ रही से है दुख? हाँ जी, अभी बात मत करो. कौन है आप? है जी, बोलिए. हाँ कोई, हाँ नमस्कार, मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी में. हाँ अभी पूछिए आप. मैंने बाहर से पूछा सेठ है, तो बोलता हाँ है. मैं अंदर घुसने के बाद पता चला सेठ नहीं है. डेढ़ बजे आते हैं. आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा नाम राजेश टैगोर है, ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इंडिया की एजेंसी बिल के है. इसको दिखाने में 10-15 मिनट टाइम लगता है. कल दिखाने से ठीक रहेगा या परसों दिखाए या अभी 15 मिनट चलेगा? मतलब क्या ये क्या है? तो बैठते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, दिखाकर चले आ जाए. आप बैठ जाइए. क्या नाम है आपका? रोहित कुमार. ये MDRT एजेंसी, LIC एजेंट सुना है आपने? LIC का बड़ा भाई है ऐसा समझ सकते हैं. MDRT एजेंसी LIC ने लाया है. इसमें आपको 6 बेनिफिट मिलता है, टोटल 60 बेनिफिट है. मेन 6 बेनिफिट, MDRT एजेंसी आपको सालाना 12 लाख कमीशन देती है, जिसका मतलब फर्स्ट मंथ से करीबन 1 लाख रुपए कमाने लगते हैं. राइट, 4 प्रकार के एजेंट है. एक नॉर्मल एजेंट महीने का 17,000, सालाना 2 लाख कमा रहा है. दूसरा MDRT एजेंट महीने का 1 लाख रुपए, सालाना 12 लाख कमा रहा है. तीसरा CUT एजेंट महीने का इतना और TUT एजेंट इतना है. ये हो गया बेनिफिट नंबर 1. बेनिफिट नंबर 2, इस एजेंसी में आपको हर साल USA जाने का मौका मिलता है, अमेरिका. यानी आपका विदेश यात्रा का सपना भी आप पूरा कर रहे हैं. तो MDRT में आप अकेले जा सकते हैं, TUT बनने पर स्पाउस यानी पत्नी को लेकर जा सकते हैं. शादी हो गया आपका? नाम भूल गया आपका, रोहित कुमार. तीसरा बेनिफिट है, ये हो गया दूसरा, तो 1 लाख है, USA जा सकते हैं. तीसरा है MDRT आपको एक्सको ऐसा पकड़िए ना, दोनों साथ में देते हैं, रिन्यूअल कमीशन बोल के देते हैं. रिन्यूअल कमीशन एक प्रकार का पेंशन है. नॉर्मली लोगों को पेंशन कब मिलता है? बुढ़ापे में रिटायर होने के बाद. यहाँ पर पेंशन आपको दूसरे साल से मिलने लगता है, 1 साल खत्म पेंशन चालू. कितना मिलता है MDRT में? आपको हर महीना 15,000 मिलेगा 1 साल बाद, पेंशन आफ्टर 1 ईयर. 2 साल बाद ये बन गया और 5 साल बाद बन गया 75,000 और 10 साल बाद 1.5 लाख ऐसा बनता जाएगा. ये बेनिफिट नंबर 3. चौथा बेनिफिट है MDRT में आपको हेरिडेटरी कमीशन मिलता है, जिसको वंशानुगत कमीशन बोलते हैं. वंशानुगत कमीशन मतलब समझो आपने 10 साल काम किया तो आपको पेंशन मिलना कितना है? 1.5 लाख. ये 1.5 लाख तो आपको मिलेगा आपके बाद, आफ्टर यू, आपकी पत्नी को मिलेगा रोहित जी, आपकी पत्नी के बाद बच्चों को मिलेगा, बच्चों के बाद आप जिसको भी नॉमिनी चाहो उसको मिलता रहेगा ये 1.5 लाख. इसको वंशानुगत बोलते हैं. ये हो गया बेनिफिट नंबर 4. बेनिफिट नंबर 5 है MDRT एजेंसी आपको गाड़ी खरीदने का मौका देती है, 5 लाख या 30 लाख. और बेनिफिट नंबर 6 है मकान खरीदने का मौका देती है, 25 लाख या 1 करोड़. तो ये प्राइमरी 6 बेनिफिट है रोहित जी. आपको इसमें से कौन सा मतलब क्या लग रहा है? अगर वापस देखें, 1 लाख रुपया है, USA जाने का मौका, पेंशन दूसरे साल से, हेरिडेटरी यानी वंशानुगत आप जी ना रहो ना रहो पेंशन मिल रहे हैं, गाड़ी मकान 6 चीज मिल रहा है, आपको कौन सा मतलब कर रहा है? पेंशन वाला. सभी को यही पसंद आता है, आपको ये वाला क्यों सबसे ज्यादा अच्छा लगा? इसमें अपना भरेंगे रहेंगे तो मिलेगा भी लास्ट में. नहीं, भरने की बात नहीं, एजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिसी की बात नहीं कर रहा. अच्छा. पॉलिसी यानी आप खुद को इंश्योर कर रहे हैं. अच्छा. एजेंसी यानी आप दूसरों को बीमा लेने के लिए बोल रहे हैं. अच्छा. ये एजेंसी है. अच्छा. आप LIC के आदमी बन जाएंगे. अच्छा. LIC में खरीदेंगे नहीं. अच्छा. तो हाँ जी,
तो आप ये बनना चाहेंगे? कितने पढ़े हैं आप? अरे मैं हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ। टेंथ पास हो गए हैं? टेंथ पास है। आपके घर में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई बहन सब। शादी हो गया आपका? कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। बहुत बड़ी। क्या उम्र है बच्चों का? एक दो साल का, एक एक साल। बहुत बड़ी। तो रोहित गुप्ता, क्या नाम? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। तो ये छह बेनिफिट है। लोग नॉर्मली हमको तीन सवाल पूछते हैं रोहित जी, मैं तीनों सवाल का जवाब देके उसके बाद निकल जाता हूँ। पहला सवाल पूछते हैं कि ये बनने के बाद करना क्या पड़ेगा, तो मैं उसको दिखा देता हूँ क्या करना पड़ेगा। व्हाट इज गोइंग टू बी योर जॉब? इतना आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं ना? हाँ, उतना उतना मैं एक्चुअली हिंदी भी दिखा सकता। पीटर हिंदी वाला ला सकते हो तो लाओ, हिंदी हिंदी। ओके, तो एजेंट बनने के बाद आपके चार अलग अलग स्तर आते हैं, चारों स्तर में आपका काम अलग है। ओके, चार फेजेस बोलते हैं। पहला जो है बनने के बाद 18 महीना है, ये 18 महीना आपका काम है लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन, डेली 10 को दिखाना, महीने का 200 को दिखाना। मैं हिंदी वाला दिखाता हूँ आपको, ये इंग्लिश वाला हो गया, सिर्फ ये अकेला पहला वाला कॉपी दिखाना। मैं इसमें नहीं है लगता है, हिंदी वाला मेन कॉपी है ना, हिंदी वाला लेके आना। ओके, ये हो गया आपका। मैं आपको ये किताब दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा काम है। मैं क्या सोचा ना, बीमा करना है, मैं सोचा। मैं बीमा करने के लिए नहीं आया हूँ, वही मैं सोचा, इसलिए मैं। बीमा करते वक्त ना हम लोगों के पास पैसा लेते हैं, मैं आपको अगला 40 साल पैसा देने के लिए आया हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात, आप सुन लीजिए, मैं चला जाऊँ। अरे गिर गया कुछ। अरे थैंक यू रोहित शर्मा के, उसको नीचे रख लीजिए। तो पहला आपका काम है किताब दिखाना, डेली 10 को, महीने का 200 को, और ये किताब है आपका काम, ये किताब दिखाना। जैसे मैं आपको लाइफ स्टाइल बोल के किताब है, मैं आपको ये किताब दिखा रहा हूँ, आपका काम है ये किताब दिखाना। ओके, उसके बाद फेज टू फेज थ्री आता है, बोलते हैं ना, तो ये हमारा काम। क्या करना पड़ता है? ये लाइफ स्टाइल, एक जैसा मैं आपको किताब दिखा रहा हूँ, ये एक प्रेजेंटेशन है छह अलग अलग तरीके के जीवन शैली के लिए। पहला शैली को रॉयल लाइफ स्टाइल बोलते हैं, दूसरा स्टेली कंफर्ट बोलते हैं, तीसरा नेसेसिटी बोलते हैं, इसको हिंदी में भी लिखा है जरूरतमंद जिंदगी, सामान्य अस्तित्व, ये क्या बोलते हैं राजभोग सुखभोग जिंदगी, आरामदायक जिंदगी, सामान्य अस्तित्व, यू नो, ये गरीबी और भिक्षा दान निर्भर, छह प्रकार के लाइफस्टाइल है। अब देख रहे हैं छह प्रकार के लाइफस्टाइल भारत का जनसंख्या है। हम या तो यू नो राजभोग जिंदगी जी रहे हैं, या तो आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं, या तो जरूरतमंद जिंदगी जी रहे हैं, या तो सामान्य अस्तित्व, या तो गरीबी, या तो भिक्षा। तो सारा जीवन, ये हमारी उम्र है 20 से लेके 80 तक, हम ना जीवन में मेहनत करते हैं, काम करते करते ये अपने परिवार के जीवन शैली के स्तर को ऊपर उठाने में लगे रहते हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी जीवन शैली को स्तर को ऊपर उठाना है। कोई नौकरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जीवन शैली को। मैं काम क्यों कर रहा हूँ? जीवन शैली को। इस ये उठाता कौन है? रोहित जी है। आपका नाम क्या है? आपका नाम? हाँ जी, राजेश जी है, ये मैं राजेश। अगर इनको कुछ हो गया तो क्या ये उठ पाना मुमकिन होगा? तो वो सवाल है। तो समझो इनको कुछ भी हो गया तो परिवार का जीवन शैली ऐसा आगे बढ़ता रहेगा? जीवन शैली को, ये वक्त पीछे नहीं आता, वक्त आगे जाता है, आगे कहाँ जाएगा? भारत में 99% लोगों को, इनको कुछ हो गया तो जीवन शैली नीचे गिर जाता है। जीवन शैली नीचे यानी आप गरीबी पे आ जाते हो। तो क्या कर सकते हैं गरीबी से आने से बचाने के लिए? हम बीमा ले सकते हैं, LIC पॉलिसी। LIC पॉलिसी आपके लाइफस्टाइल को ऊपर उठा लेता है और आपके बाद भी आपकी जीवन शैली को आरामदायक बना के रखता है। तो ये जो कहानी है आपको लोगों को बताना है, ये डेली 10 लोगों को बताना है आपको काम। ये हो गया पहला सवाल का जवाब। दूसरा सवाल ये रहा, मैं आपको जो हिंदी में दिखाना चाह रहा था, ये सब आपका शुरुआती कामयाबी का वक्त, पहला 18 महीना आपका काम है लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन। हाँ जी, हर महीना 200 लोगों को, ये आपका काम है। ये हो गया पहला। दूसरा बात जो लोग पूछते हैं कि ये इसमें कामयाबी इतना आसान है क्या? LIC। तो ये भारत के LIC के जितने MDRT है उन सबका लिस्ट है, ऑल इंडिया MDRT 16,500, ये सब देख सकते हैं। सीरियल नंबर है, कोड है, आदमी का नाम है, ब्रांच है वगैरह, कितना कमीशन कमा, ये सब जो है
भारत के एमडीआईटी एजेंट लोग, एक नहीं दो नहीं, आप देख सकते हैं ये सब के सब को सालाना लाख रुपए, हाँ लाखों, हाँ जी, तो ये सब के सब इतने हैं, आप देख सकते कितने लोग हैं यहाँ पर, 16,500 लोग हैं जिनको हर महीना लाख रुपए कमाने को मिल रहा है, उनको पेंशन मिल रहा है, विदेश यात्रा करने का मौका मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, मकान मिल रहा है, और ये सब के सब चीज, महीने का लाख रुपया, विदेश यात्रा करने का सुविधा, आपके परिवार को आपको रहने पर भी पेंशन, ना रहने पर भी पेंशन, गाड़ी और मकान, ये छह चीज आपको मैं देने के लिए आया हूँ, लेना चाहेंगे आप? नहीं, हाँ बोलना चाहेंगे कि ना बोलना चाहेंगे? ये छह चीज आप लेना आपको, ये छह आप मेरे को ना नहीं बोल रहे हो, आप ना बोल रहे हो मेरे को लाख रुपए महीने का नहीं चाहिए, मेरे को पेंशन नहीं चाहिए, मेरे को हेरिडिटरी नहीं चाहिए, मेरे को विदेश नहीं जाना, ऐसा बोल रहे हो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, हमारा काम है दिखाना, दिखाना आप आपके घर में दूसरा किसी को दिला दीजिए, आप यूपी के हैं, तो कुछ ना कुछ करके आप ना इसको डेली एक दो घंटा भी कर सकते हैं, आप एक घंटा निकाल सकते हैं, एक घंटा दो बजे दुकान बंद करते हैं, खाना पीना बनाते, चार बजे जाता है, पांच बजे की दुकान खोलना है, राइट, और 11:30 बजे बंद होता है, सुबह कितने बजे खोलते हैं? सुबह 7 बजे खोलते हैं, तो आप अगर एक घंटे के लिए भी कर सकते हो तो शुरुआत हो सकता है, अगर वो नहीं कर सकते तो मतलब नहीं, नहीं ये मैं सोचा बीमा वाला ही ले, तो आपको बीमा वाला कोई चाहिए? नहीं, बीमा वाला मेरा उधर था, तो वो क्या बोलते हैं उसमें कौन सा जो बंद हो गया, अभी चल पढ़ते थे ना हम लोग, बढ़िया वो बंद हो गया, भाग गए थे ना सब लोग छोड़ छाड़ के, तो अभी मिल नहीं रहा, बोले हैं कि मिलने के लिए, सहारा की बात, हाँ सहारा, नहीं हम सहारा में एलआईसी, हाँ एलआईसी तो मुझे तो चलती है, वो तो एलआईसी वाले उनको भी, टाइम क्या हो गया? 8:55, थैंक यू रोहित जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये था प्रवीण, एंड निकलते हैं, और एक है तैयार है, चलिए, हाँ ठीक है, वर्षा बोल रही है एक और तैयार है, तो हम इनको भी प्रेजेंटेशन दे देते हैं, वैसे भी मेरा कमिटमेंट था कि आपको मैं कम से कम 50 लोगों को डेमो दूंगा प्रोग्राम के दरमियान, कम से कम 50 बोला था, राइट, अभी तक मैंने गिनती नहीं रखा है, मगर जब भी मौका मिलता है काम करने, वो LIC का नया MDRT एजेंसी बोल के, तो उसमें जो है तो महीने का लाख रुपए कमा सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, वो ऐसा अब अगले साल से पेंशन मिलेगा, ऐसे 6 बेनिफिट है, ये नया करियर, आप क्या करते हैं? वो हमारे ग्रुप की दे दी है, वो कार्ड है, वर्षा कार्ड चाहिए इनको, आप क्या पढ़े लिखे? बहुत पढ़े, एमए बीएड है, तो आपका भी एक नंबर दे दीजिए उनको, बहुत बढ़िया, किस तरफ है वर्षा, आओ ना, आपने पहले से बात किया है, लड़की एक यहाँ पर खड़ी, एक बार बात करो उससे, अच्छा स्टेशनरी थी, मैंने सोचा यहाँ पर बैठा हुआ आदमी बोल रहे हो, कोई नहीं है, मैं इधर ही बैठकर कंक्लूजन कर लेता हूँ, राइट, मैं इधर ही बैठ के कंक्लूजन कर लेता हूँ दोस्तों, 8:57 हो रहे हैं मेरे हिसाब से, 9:02 बाकी है, ये आज का प्रयास था, आज का कोशिश था, हर दिन हम लोग फील्ड में जाकर जो कुछ होता है उसको सामने बैठकर मिलकर रिक्रूट करने का कोशिश करता हुआ ये प्रोग्राम करेंगे, तो आप में से किसी को अगर कुछ पूछना है बताना है तो यू कैन डू दैट मेरे को, हाँ
अभी मैं पहली बार सुबह से एक्चुअली देखा जा रहे अरे अरे आप लोगों को देख पा रहा हूँ, अपने आप को भी देख रहा हूँ. यस, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट आस्क मी. नमस्कार भाई, मेरा नाम जूते चलेगा मैं पहले चेयर बाद में ले लेते हैं. मेरा नाम राजेश टैगोर है, मेरे को पहले बिठाई दे रहे हैं आप. राजेश टैगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ. एमडीआरटी एजेंसी बोल के नया एक चीज आया है, उसको आपको दिखाने में 10-12 मिनट टाइम लगता है, तो दिखा दें अभी की बाद में. हाँ जी, तो आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं, कब से बॉम्बे में है, कितने पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे कुछ भी नहीं है, मतलब 10th पास है, 12th पास है, मैं कुछ भी समझ कुछ भी नहीं. आपके घर में और कौन कौन? फैमिली सब गांव में. अच्छा, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ. बोल रहे हैं तो एमडीआईटी एजेंसी में आपको कुल मिलाकर 60 बेनिफिट है. मैं आपको 6 ही बता रहा हूँ, 6 बेनिफिट बता रहा हूँ. पहला बेनिफिट है, एमडीआईटी एजेंसी आपको सालाना 12 लाख कमीशन देती है, जिसका मतलब आप पहले महीने से 1 लाख रुपए कमाने लगते हैं. तो एलआईसी के अंदर 4 प्रकार के एजेंट्स है. एक होता है नॉर्मल एजेंट जो महीने का 17,000 सालाना 2 लाख कमा रहा है. दूसरा होता है एमडीआईटी एजेंट जो महीने का 1 लाख रुपए सालाना 12 लाख कमाता है. तीसरा सीओटी एजेंट, चौथा फ्लोट. ये हो गया बेनिफिट नंबर 1. दूसरा बेनिफिट आपको एमडीआईटी एजेंसी में मिलता है कि आपको हर साल यूएसए अमेरिका जाने का मौका मिलता है. तो एमडीआईटी में आप खुद जाते हैं, टीओटी एजेंसी इसका बड़ा लेवल है, उसमें वाइफ एंड हस्बैंड दोनों को जाने का लाइसेंस मिलता है. तीसरा बेनिफिट है कि एमडीआईटी एजेंसी आपको रेन्यूअल कमीशन देती है. आप देख रहे हैं रेन्यूअल कमीशन, जो एक प्रकार की पेंशन जैसा है. पेंशन लोगों को कब मिलता है? रिटायर होते हैं 40 साल का सर्विस के बाद. रेन्यूअल पेंशन जो है वो दूसरे साल से ही आपको मिलने लगता है. आप 1 साल कंप्लीट किया, पेंशन आफ्टर 1 ईयर आपको हर महीना मिलेगा 15,000 किस एजेंसी में. 2 साल पूरा हुआ, आपका पेंशन बन जाएगा 30,000, काम करो या ना करो. 5 साल बाद ये बन गया 75,000, ये पेंशन बोलते हैं. ये हो गया बेनिफिट नंबर 3. बेनिफिट नंबर 4 है, एमडीआईटी एजेंसी आपको हेरिडिटरी कमीशन देती है, जिसको वंशानुगत कमीशन देते हैं. समझे, आपने 10 साल काम किया तो आपको 1.5 लाख पेंशन मिलना है. 1.5 लाख आपको तो मिलेगा ही, आफ्टर यू यानी आपके बाद आपकी पत्नी को मिलेगा. हाँ, पत्नी के बाद बच्चों को मिलेगा, बच्चों के बाद जिसको भी आप चाहेंगे फैमिली में उसको मिलेगा. तो ये आपको मिलना ही है वैसा है. 5वां बेनिफिट है, इसमें आप कार खरीद सकते हैं 5 लाख का या 30 लाख का. 6ठा बेनिफिट है, इसमें आप मकान खरीद सकते हैं 25 लाख का, 1 करोड़ का, दोनों का फंडिंग कॉर्पोरेशन कर. 6 में से आपके मतलब का कौन सा लग रहा है आपको? इनमें से आपको पसंद कौन सा आया? आपको पसंद कौन सा बढ़िया रहेगा? आपका नंबर दे दीजिए. मैडम प्रवीण कार्ड का दे दो ना, एक्सचेंज कर लो. डेकोरेशन का काम चलता है. यूपी में कहाँ के हैं आप? ठीक है, प्रवीण भोसले जी हैं, आप भाई से मुलाकात करवा सकते हैं. राइट, थैंक यू सो मच. थैंक यू. यस दोस्तों, इसी के साथ ऑलरेडी 9 बजे से ज्यादा टाइम हो चुका है, तो मैं यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूंगा. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय. अगर किसी को कुछ पूछना है तो एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं, उसके बाद बाय करेंगे. नो क्वेश्चन सर. पहले एजुकेशन में कुछ कम होगा तो क्या करने का? कुछ नहीं, छोड़ के आगे बढ़ने का. अच्छा सर, आईडी कार्ड पेंट करने के? आईडी कार्ड मेरे पास तो नहीं है, दोनों प्रवीण मेरे साथ हैं और वर्षा मेरे साथ है, दोनों के पास आईडी कार्ड है. चलिए बस आज इतना ही रखते हैं, ज्यादा टाइम लेने से ना ये प्रोग्राम सर, का. और एक सवाल सर, छोटा सा सवाल सर. हाँ सर,
हम बड़ा दुकान देख के दिखाना है चाहिए कि जो कुछ हाँ हाँ बड़ा दुकान छोटा दुकान ऐसा कुछ नहीं, जो मिला उसको आप दिखाइए और बात करिए। ओके चलिए बाय बाय सर।